हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 60 और इस लेसन में सीखने वाले हैं STRTOK फंक्शन। ओके, STRTOK। तो ये फंक्शन दोस्तों क्या करता है, ये फंक्शन जो भी हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे उसको स्प्लिट करता है यूजिंग सम डिलिमिटर। यानी कि ये देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है हाई, देन डैश, देन वर्ल्ड, ऐसा लिखा है। ओके, देन डैश लिखूंगा मैं हेलो। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग है उसको मैंने डैश से डिवाइड किया। ओके, हाई डैश वर्ल्ड डैश हेलो। ओके, तो पहला वर्ड हाई, देन डैश, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड। ओके, तो बीच में स्पेस रखने की बजाय मैंने यहाँ पर डैश रखा। ओके, तो यदि आपको डैश के बेस पर वर्ड को डिवाइड करना है, यानी कि स्ट्रिंग जो है उसको स्प्लिट करना है, क्या करना है, स्प्लिट। ओके, तो उसके लिए STRTOK फंक्शन यूज होता है। ओके, तो STRTOK फंक्शन स्प्लिट द स्ट्रिंग। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इस तरीके से पहले एक वेरिएबल ले लें, कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग बनानी होगी आपको। फिर क्या लिखना होगा, कैरेक्टर स्टार PTR इक्वल टू STRTOK, यानी कि हमने कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल लिया इज इक्वल टू STRTOK लिखना होगा फंक्शन का नाम, और यहाँ पर लिखना होगा name1, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर लिखनी होगी। ओके, यदि आपको वेरिएबल नहीं लेना है तो ये जो डबल कोटेशन में स्ट्रिंग है उसको आप कॉपी करके इधर रख सकते हो डायरेक्ट। ओके, वो हम कुछ देर में करेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन में डैश लिखा हुआ है, यानी कि ये जो name1 के अंदर स्ट्रिंग है उसको डैश कैरेक्टर से डिवाइड करना है। ओके, तो STRTOK इस तरीके से डैश कैरेक्टर का यूज़ करके स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, यानी कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर वर्ड है वो डिवाइड करेगा। ओके, अब ये देखिए, ये वाइल्ड लूप किसके लिए ली है मैंने, तो प्रिंट करवाने के लिए। ओके, ये देखिए %s लिखा मैंने और PTR लिखा। ओके, तो PTR वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल, उसके अंदर क्या आएगा, पहला जो वर्ड है उसका पॉइंटर आएगा। ओके, तो पॉइंटर यानी कि उसका जो लोकेशन है, ये h का लोकेशन, वो किस में आएगा, PTR में आएगा। ओके, फिर PTR में क्या आएगा, W का लोकेशन आएगा, और फिर PTR में H हेलो का जो H लिखा है उसका लोकेशन आएगा। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग है वो डैश से डिवाइड हो जाएगी, और जब तक नल वैल्यू नहीं आती है तो स्ट्रिंग के एंड में क्या होता है, नल वैल्यू होता है। ओके, होती है नल वैल्यू, तो जब तक नल वैल्यू नहीं आएगी तब तक क्या होगा कि ये वाइल लूप जो है वो वर्ड को प्रिंट करता रहेगा। ओके, ये देखिए आउटपुट इसका, हाई वर्ल्ड एंड हेलो। ओके, हमने /n बीच में रखा है इसलिए। तो देखिए, तीन वर्ड है तो तीनों वर्ड को इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, स्प्लिट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डैश, एंड दूसरी बार वर्ल्ड लिखता हूँ मैं डैश, यहाँ पर हाई लिखा मैंने, तो इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड है, 5। ओके, तो ये देखिए आउटपुट में 5 वर्ड आ जाएंगे डिवाइड होकर। ओके, तो STRTOK फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। और यदि आपको यहाँ पर कैरेक्टर चेंज करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी स्पेस रखता हूँ, ओके, स्पेस कैरेक्टर, और डैश निकल, अब मैं डैश को निकल रहा हूँ और स्पेस रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी स्पेस रखनी पड़ेगी। ये देखिए, जो कैरेक्टर से हमें डिवाइड करना है तो वो कैरेक्टर अब स्पेस कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पर स्पेस रखूँगा। ओके, तो भी आउटपुट ये देखिए, हाई वर्ल्ड हेलो इस तरीके से आ गया। ओके, तो स्पेस से भी आप डिवाइड कर सकते हो। और ये देखिए, मैं यहाँ पर सिंबल रखता हूँ, दूसरा डिवीज़न का सिंबल। ओके, स्लैश रखता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, स्लैश। ओके, ये देखिए, पर ये जो फंक्शन है वो डैश के साथ अच्छा वर्क करता है, तो आप
मैं यही आपको कहूँगा कि जब भी ये फंक्शन यूज़ करे तो डैश आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ओके, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा फंक्शन, ओके। तो इस तरीके से ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यदि आप स्लैश रखते हो तो वाइल लूप में भी चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए ये प्रॉब्लम होती थी। ये देखिए, यहाँ पर मैं स्लैश करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर वाइल लूप जो है वहाँ पे भी स्लैश करना पड़ेगा, ओके, तो ही आउटपुट आएगा प्रॉपर, ठीक है। यदि आप स्पेस रखें तो यहाँ पे भी स्पेस और यहाँ पे भी आपको स्पेस रखना होगा, ओके। तो इस तरीके से strtok फंक्शन काम करता है। स्प्लिट को, स्ट्रिंग को आप स्प्लिट कर सकते हो, ओके। इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।